हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विद न्यू टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक लेट्स डिस्कस सम रिलेटेड टॉपिक इन प्रीवियस चैप्टर दैट इज कैश बुक। वी हैव डन दैट कैश बुक और एज यू ऑल नो दैट इन कैश बुक वी रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी हम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजेक्शन, यानी कैश में जो भी हमारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, परचेज, सेल्स, रिसिप्ट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर्स। इन कैश बुक देर आर टू साइट्स बेटा, दिस साइट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स और डेबिट साइट, और दिस साइट इज कॉल्ड पेमेंट दैट इज क्रेडिट साइट। And in cash book, there are different type of cash book performa we have already done. In from all these performa, we have done a single column cash book and double column cash book. And in double column cash book, we recorded cash and bank. Bank, यानी हमने जब डबल कॉलम कैश बुक की थी बेटा, इन डबल कॉलम देर आर टू कॉलम ईच साइड, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। इन कैश कॉलम हम इस चैप्टर के अंदर कैश कॉलम की कोई भी डिस्कशन नहीं करते। कैश कॉलम में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे थे बेटा? दैट ऑल ट्रांजेक्शन विच आर डायरेक्टली पेड और रिसीव्ड इन कैश फॉर्म, यानी when you paid something in cash, when you receive something in cash is recorded in cash column. But in bank reconciliation statement beta, it is not related to the cash column. We are doing only the bank column of the cash book. In bank column of the cash book, we record bank transaction. बैंक ट्रांजेक्शन मीन्स क्या है आपका? कि जो हम बैंक के थ्रू रिसिप्ट एंड पेमेंट करते थे, हम बैंक के थ्रू डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन से थ्रू नहीं कर सकते। आप आज के बिजनेस में हम सारी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं करते, वी आर डूइंग ऑल ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ बैंक। लाइक COVID-19 बेटा, हमारे जो गवर्नमेंट है बेटा वो भी इम्फेसाइज कर रही है क्या, कैशलेस आपके पेमेंट को, कैशलेस आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को। यानी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, आप कोई भी बेटा कार्ड के थ्रू जो पेमेंट होती है बेटा, वो सारी हमारी किसकी हेल्प से होती है? बैंक की हेल्प से। When you paid something by check or draft, then you record in bank column of debit side. यानी जब भी बैंक में पैसा आप प्लस डाल रहे थे बेटा, वी रिकॉर्ड इन दिस साइड। और जब आपके बैंक से अकाउंट से पैसा, व्हेन यू इशू ए चेक, व्हेन इशू ए ड्राफ्ट, व्हेन यू पे समथिंग बाय बैंक, देन रिकॉर्डेड इन दिस साइड दैट इज बैंक क्रेडिट साइड। यानी आपके फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए इस मंथ, इन अक्टूबर मंथ, इन माई बैंक अकाउंट आई रिसीव द अमाउंट 1 लाख रुपीज। यानी हमारे पास कितना है बेटा आपका? 1 लाख रुपीज का टोटल है यहाँ पर। यहाँ पर का मतलब है मेरे बैंक अकाउंट में जो मैंने टोटल जो पूरा मंथ में बेटा कोई चेक मिला, कोई ड्राफ्ट मिला, कोई ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट मिली बेटा, आई गोट द मनी किसे? थ्रू बैंक 1 लाख रुपीज। एंड सेम वे आई पेड, मैंने पेमेंट कितनी की है बेटा आपकी यहाँ पर? मेरी पेमेंट कितने की हुई पूरे साल में, आपके पूरे मंथ में बेटा? 60,000 रुपीज। यानी मैंने अपने बिजनेस से वन और बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव कितनी की है? 1 लाख रुपीज। पेमेंट कितने की है? 60,000। इट मीन्स अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए? 40,000। मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए? 40,000 रुपीज। आपको अब बात करते हैं बेटा, ये जो 40,000 है इट मींस क्या है कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस जो है बेटा पूरे मंथ का, जो लास्ट डे ऑफ द मंथ मैंने रिकॉर्ड किया है मेरी कैश बुक में, दैट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। अब दूसरी एक बुक की हम लोग डिस्कस करते हैं, वो कौन सी बुक है बेटा आपकी? आपकी क्या बोल सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट।
बैंक स्टेटमेंट। आप क्यों, मैंने कहा कि बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं हम, तो जैसे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा जो बैंक के लेन देन को, तो बैंक भी तो अपने पास कुछ रिकॉर्ड करता होगा, और जो बैंक आपको जो रिकॉर्ड करता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं बेटा इसे, पासबुक। पासबुक। अच्छा, क्या बैंक आपके अपने कॉलम के अंदर कैश कॉलम मेंटेन करेगा? नो, क्योंकि उसको आपके कैश से कोई लेना देना नहीं है। बैंक रिकॉर्ड ओनली आपका कौन सा कॉलम, ओनली बैंक कॉलम। आपका कौन सा रिकॉर्ड करेगा बेटा, बैंक कॉलम। ठीक है, अब बैंक कॉलम इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या है, मैंने अभी आपको बताया बेटा कि कैश बुक के बैंक कॉलम में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी हमने बैंक में पेमेंट की है, रिसीव की है, वी रिकॉर्ड इन कैश बुक बैंक कॉलम। सेम वे बैंक भी आपकी स्टेटमेंट में या पासबुक में क्या रिकॉर्ड कर रहा है बेटा, जो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, जो पैसे आपके अकाउंट से गए हैं, वो बैंक आपके अकाउंट में कौन सी बुक में लिख रहा है बेटा, पासबुक। सबसे पहले पासबुक क्या होती है बेटा आपकी, ऑल स्टूडेंट्स आर हैविंग, मान लो मे बी आपका पर्सनली तो आपके पेरेंट्स के अकाउंट्स हैं, और आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना कि जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो बेटा तो बैंक इशू ए पासबुक। इशू का मतलब यहाँ पर क्या है, बैंक आपको एक अपनी स्टेटमेंट यानी अपनी एक नोटबुक, जिसे हम कहते हैं बैंक कॉपी, या बैंक आपकी नोटबुक प्रोवाइड करता है जिसमें आप इन फ्यूचर जो भी बैंक के थ्रू लेन देन ट्रांजेक्शन करेंगे बैंक उसमें आपको रिकॉर्ड करके देगा। दैट इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। इन एट योर होम यू कैन ईजिली सीन द पासबुक एंड विच टाइप ऑफ कॉलम आर देयर एंड आपका विच टाइप ऑफ एंट्री और ट्रांजेक्शन विल बी देयर, लेट्स सी इन प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके नाउ लिसन, पासबुक, पासबुक अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हु प्रिपेयर द कैश बुक, कैशियर और बेटा अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, अकाउंट्स ऑफिस, जो भी अकाउंटेंट जो भी कर रहा है बेटा यानी आपकी फर्म का जो ऑफिस में जो मेंटेन है बेटा वो मेंटेन करता है। हु प्रिपेयर द बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, आपका जो बैंक मैनेजर है या बैंक का जो कैशियर है, यानी रिकॉर्ड सेम है बट रिकॉर्ड करने वाली जो फर्म है बेटा इसे कंपनी इट्सेल्फ रिकॉर्ड करती है, इसे बैंक रिकॉर्ड करता है। दीज आर टू डिफरेंट बुक। अब आप मुझे बताइए, बैंक में आपने जो भी रिकॉर्ड किया था, मान लीजिए ये बैंक का डेबिट कॉलम है और ये बैंक का क्रेडिट कॉलम है। डेबिट कॉलम का मतलब है ये बैंक का रिसिप्ट, ये हमारी एसेट है जो बैंक में आपने जमा करवाई है, यानी बैंक के पास ये क्या आपकी, अच्छा बैंक कॉलम आपकी कैश बुक में, बैंक में जो डेबिट साइड है वो एसेट्स है, आपकी एसेट इसलिए क्योंकि ये पैसे बैंक में जमा है। क्या बैंक जो पासबुक आपकी रिकॉर्ड करेगा तो बैंक के लिए भी उसकी एसेट्स है? नो, ये बैंक के लिए क्या हो जाएगी बेटा, उसकी लायबिलिटी। इसलिए कहाँ रिकॉर्ड होगी, बैंक की, बैंक जो चीज़ आप अपनी बैंक कॉलम में डेबिट करते हो बेटा पासबुक में बैंक आपके कॉलम में उसे क्रेडिट करेगा, क्योंकि ये बैंक के लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी, यानी आपके अकाउंट में प्लस तो कर देगा लेकिन बैंक की क्या है बेटा, ये लायबिलिटी। आपका एसेट है 1 लाख रुपीज़ और बैंक की क्या है बेटा, लायबिलिटी, यानी आपका जो रिसिप्ट कॉलम में ये 1 लाख रुपीज़ राइट कर रखे हैं। ठीक है, सेम वे जो बैंक से जब बैंक में आप पैसे जमा करवाते तो आपके अकाउंट में प्लस कर दिए बैंक ने, और जब आप बैंक में से पैसे निकाल रहे हो, जब आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो बेटा तब आपके कॉलम में क्या कर दिया बेटा, आपके उसने आपके अकाउंट से माइनस कर दिए जो भी आपने अकाउंट से पैसे निकाले हैं आपके 60,000 रुपीज़। ठीक है, ये बैंक से माइनस हो गए आपके, यानी क्योंकि आपकी आपने जो पैसे निकल गए तो आपकी एसेट कम होगी, आपकी एसेट कम होगी तो बैंक की लायबिलिटी कम होगी, यानी अब बैंक को 1 लाख नहीं देने आपको 40,000 ही देने, तो बैंक रिकॉर्ड इन डेबिट साइड। तो बैंक का बैलेंस भी कितना आना चाहिए, यानी बैलेंस कितना होना चाहिए बेटा, 40,000 रुपीज़, क्योंकि ये आपका इस साइड से बैलेंस है, यानी ये जो आपके बैलेंसेस है बेटा कौन से बैलेंसेस, आपके दिस वन बैलेंसेस, ये जो बैलेंसेस हैं ये क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल, क्योंकि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और पासबुक, क्योंकि पासबुक की बैंक स्टेटमेंट क्या है, वही स्टेटमेंट तो है जो आपने बैंक से लेन देन कर रहे हो, बस रिकॉर्ड अलग व्यक्ति कर रहा है,
यानी दोनों के जो बैलेंसेज है बेटा वो क्या होने चाहिए आपके, मैच होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे भी 40 होना चाहिए और यहाँ पे 40 होना चाहिए। बाय चांस एंड ऑफ द मंथ जब आपके कैशियर ने जब इसको सोचा चलो ठीक है पूरा महीने का लेन देन हो गया है, अब मैं बैंक से क्या मंगवा लेता हूँ, बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेता हूँ और उसमें चेक करता हूँ क्या मेरे बैलेंसेज आपके जो भी मैं एंट्री कर रहा हूँ उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि कोई भी किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। तो वो अपनी मिस्टेक को पूरी तरीके से एश्योरेंस के लिए वो बैंक से अपनी स्टेटमेंट मंगवाता है। स्टेटमेंट कंप्लीट होती है और दोनों की जब वो स्टेटमेंट को मैच करता है बेटा, बैंक शो ए डिफरेंस यानी बैलेंस आपके दिखा रहा है 30,000 और आपकी जो बैंक कॉलम है यानी कि आपकी जो कैश बुक है इट शो 40,000। अब आपको तो एकदम झटका लगेगा कि मेरे तो बैंक अकाउंट में 40,000 होने चाहिए। जैसे ही आपके पास बैंक स्टेटमेंट आती है तो उसमें बैलेंस है बेटा 30,000, इट मीन्स इट इज़ नॉट मैच्ड। अब मैच करने के लिए एकदम है, ये तो है नहीं कि हम लोग बैंक में जाएंगे कंप्लेन करेंगे कि आपने रॉन्ग किया हुआ, आपने गलत किया हुआ है, क्योंकि मिस्टेक में तो ये मे बी हो सकता है हमारी कोई मिस्टेक हो, मे बी हो सकता है बैंक से भी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन इस आपके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी रिसीव सम क्या आपको, यानी हमें पूरी तरीके से वो आपको जो भी एंट्री मैंने की है और जो एंट्री बैंक ने की है, क्योंकि सेम टाइम पे एंट्री हुई है दोनों में, तो बेटा वी क्या करेंगे, हम दोनों को हम मैच करेंगे दोबारा से। आप क्या करोगे, उस एंट्रीज को लिखोगे भी उस डेट को मैंने ये एंट्री की है क्या बैंक में हुई है, उस डेट को मैंने ये एंट्री की है क्या बैंक में हुई है, बैंक में ये एंट्री होगी क्या मैंने कैश बुक में की है, यानी हम क्या जितनी भी ट्रांजेक्शन की है उनको एक जगह लिखेंगे और उन दोनों को क्या करेंगे, मैच करेंगे और इस डिफरेंसेस को रिकनसाइल करेंगे, ठीक करेंगे। और इस बैलेंसेस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो कैशियर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाएगा बेटा, आपका खुद यानी कंपनी खुद बनाएगी, बैंक जो कंपनी का जो अकाउंटेंट है बेटा ही प्रिपेयर द बैंक रिक, क्योंकि पासबुक में यानी कि बैंक मैनेजर या बैंक वाले नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा बेटा, आपकी कंपनी के जो कैशियर है वो बनाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये क्या रिकॉर्ड करेगा बेटा, यानी रिकंसाइल द बैलेंसेज, किसका बैलेंसेज, कैश बुक का बैंक बैलेंस एंड पासबुक का आपका बैलेंस है, उन दोनों को मैच करके वो एंट्रीज को राइट करेगा जिसकी वजह से ये डिफरेंस अराइज हुआ है। For this one, we prepare a statement. Now, let's discuss what is the format of bank reconciliation statement. इन दोनों balances में जो difference आया है इसको ठीक कैसे करेंगे and how to maintain the record of bank reconciliation statement. Let's start. Okay, बेटा इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस फॉर्मेट में हमें डेबिट या क्रेडिट साइड्स यानी कि अलग से आपका लेजर फॉर्मेट में नहीं बनेगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मेट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी ये हमारा क्या है आपके जो पर्टिकुलर और ये हमारा प्लस, कितना अमाउंट प्लस करना है कितना अमाउंट माइनस करना है। ओके, इसे स्टार्ट करने से पहले बेटा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था उसमें मैंने लिखा कि कैश बुक जो है वो हमें बैलेंस कितना शो कर रही थी बेटा 40,000 और जो मेरी पासबुक है वो कितना बैलेंस शो कर रही थी बेटा 30,000 रुपीज़। ठीक है, ये तो 100% है कि दोनों में से कोई एक रॉन्ग है, मे बी आपकी, क्योंकि दोनों हमारी इक्वल होनी चाहिए जो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस इट मीन्स क्या है, इसको रिकनसाइल ठीक कैसे कर सकते हैं, हम दोनों में से एक को क्या मानेंगे, वी अज्यूम दैट कि पासबुक में जो बैलेंस है वो करेक्ट है और जो कैश बुक में मैंने मिस्टेक की इसको मुझे करेक्ट करना अकॉर्डिंग टू द पासबुक। सेम अगर पासबुक को मैं इनकरेक्ट मान रही हूँ तो कैश बुक मेरी क्या है, करेक्ट है, और पासबुक तो मैं पासबुक से स्टार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान रही बेटा पासबुक मेरी करेक्ट है, बैंक कभी गलती नहीं करता, बैंक ऑलवेज बी राइट, अगर मैं ये मान के चल रही हूँ बेटा पासबुक मेरी क्या है करेक्ट है, पासबुक में बैंक कभी मिस्टेक नहीं करता, इट विल बी ऑलवेज करेक्ट। तो इसका मतलब है मैं कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्टिंग करूँगी, 40,000 से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करूँगी और इसमें जो भी मिस्टेक हुई है प्लस या माइनस की करने के बाद में आंसर शुड बी 30,000 रुपीज़। जब ये आंसर आ जाएगा इट मीन्स नाउ दीज बैलेंसेज आर इक्वल और मैंने बैंक को क्या कर दिया, रिकनसाइल कर दिया जो भी मिस्टेक्स थी, आई फाउंड इट।
तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं इसमें प्लस माइनस करके आंसर क्या लेके आऊंगी बेटा आपका 30,000। दूसरा मेथड क्या हो सकता था कि मैं इसमें प्लस माइनस करके इसका आंसर क्या लेके आऊंगी बेटा 40,000 रुपीज, तब ये दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स क्या है कि दोनों में से किसी एक बैलेंस को स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, और जो जिसको बैलेंस लेके चल रही हूँ जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा, इट मीन्स वो मिस्टेक उसको क्या मान रहे बेटा, वी अज्यूम दैट इट्स रॉन्ग, और जिसके साथ हम आंसर मैच कर रहे हैं वी अज्यूम दैट दैट इज क्या होगा बेटा राइट। तो हमें क्वेश्चन के करने के तरीके क्या हैं कि हम एक बैलेंस को लेके चलेंगे और दूसरे बैलेंस के साथ क्या करेंगे मैच करेंगे। अब आपको हमने जो टॉपिक किया था उसके अकॉर्डिंग देखिए जो बैलेंसेज हैं, जो बैलेंसेज है आपको पता है जब हम कैश बुक कर रहे हैं तो दो टाइप के बैलेंस होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस बैलेंस का मतलब है डेबिट बैलेंस, क्योंकि देखो मैंने आपको लेजर में भी बताया बेटा डेबिट बैलेंस कब वर्ड यूज करेंगे, व्हेन जो बड़ा अमाउंट जिस साइड का होता है दैट इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल कैश बुक, इस साइड का बैलेंस 1 लाख था और इस साइड का बैलेंस बेटा बेटर्स टोटल यानी पेमेंट हुई थी 60 की और रिसिप्ट हुई थी 1 लाख की, तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है ना 40,000 इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब लिखा तो इधर है लेकिन इसको डेबिट बैलेंस क्यों बोल रहे बेटा, क्योंकि बड़ा अमाउंट किस साइड का है आपका डेबिट का, यानी रिसीव ज़्यादा है पेमेंट कम है, तो ये रिसीव्ड बैलेंस है, यानी कहाँ का बचा हुआ है रिसीव्ड साइड का, और रिसीव्ड साइड कौन सी है डेबिट साइड, दैट्स वाई वी कॉल्ड डेबिट बैलेंस। इज इट क्लियर, यानी हम इसको बोलते हैं बेटा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस को बोलते हैं, तो पॉजिटिव बैलेंस को डेबिट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे क्रेडिट। लेकिन इसका अपोजिट आपकी क्या है, यहाँ पर अपोजिट होता है, पासबुक में आपके नेगेटिव बैलेंस को डेबिट बोला जाता है और पॉजिटिव बैलेंस को क्रेडिट। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके करवाया था बेटा, जो चीज़ आपकी एसेट्स है बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है और जो आपकी लाइबिलिटी है बैंक के ऊपर एसेट्स है, दैट्स वाई ये हमारे बैलेंसेज होते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, जो भी डिफरेंसेस आने के रीज़न होते हैं बेटा उनको फाइंड आउट करना है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई आपकी, और उसके अकॉर्डिंग पासबुक कैशबुक में मैंने प्लस किया है कि माइनस किया है, पासबुक में मैंने प्लस किया है, दोनों साइड अगर प्लस है तो इसमें राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बैंक रिकंसिलेशन में किन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करेंगे बेटा, जिनकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यानी जिनकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर। इट मीन्स अगर यहाँ मैंने प्लस किया हुआ है और यहाँ मेरा वहाँ पर प्लस नहीं है, इट मीन्स अगर मैं बैंक पासबुक को करेक्ट मान रही हूँ बेटा तो यहाँ पर भी क्या कर दूंगी माइनस इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ माइनस कर रखा है और यहाँ मेरा प्लस है, यानी यहाँ तो मैंने इशू कर दिया लेकिन यहाँ भी पैसे नहीं गए, तो बेटा मैं अगर इसको करेक्ट मान रही हूँ तो यहाँ पे भी क्या कर दूंगी प्लस कर दूंगी, तो मैच हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज द क्या प्रोसेस टू रिकॉर्ड द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ बेटा कि ये दोनों में डिफरेंस आते क्यों हैं, रीज़न क्या हो सकते हैं। मेजर देर आर टू रीज़न, कौन से रीज़न हो सकते हैं बेटा, एक तो रीज़न होता है बेटा टाइम गैप का, एक रीज़न होता है टाइम गैप का। टाइम गैप का मतलब क्या है कि पासबुक और कैशबुक में जो रिकॉर्डिंग का जो टाइम होता है बेटा वो मे बी इट मे बी ए डिफरेंट टाइम, ठीक है। और दूसरा होता है भी रिकॉर्डिंग करने में ओमिशन, भूल गए, गलती से डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, वो जो मिस्टेक्स होती हैं, यानी वो एक रिकॉर्डिंग एरर्स होती हैं। लेकिन मेजर जो मिस्टेक्स हो सकती हैं बेटा वो क्या थी, टाइम गैप की। टाइम गैप का मतलब क्या है, आपको पता है व्हेन यू सेंट या फिर डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक, आप बैंक में जब भी बैंक चेक डिपॉजिट करवाते हो बेटा तो आपको पता है अगर मैं पासबुक के अकॉर्डिंग सोचूं तो मैं तो अकाउंटेंट उसी टाइम उस अमाउंट को क्या कर देता है प्लस,
जिस दिन मैंने आपने कैश बुक में किया है, व्हेन यू डिपॉजिट इनटू द चेक आप बैंक में डाल रहे हो, उसी दिन क्या कर लेते हो, प्लस। लेकिन बेटा बैंक में जब तक प्लस नहीं होता, ये तो कैश बुक में तो आपने क्या कर दिया, प्लस, लेकिन पासबुक में जब तक प्लस नहीं होगा, अब मैंने तो चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आपको पता है एक चेक को क्लियर होने में कई बार टाइम लग जाता है, बाउंस भी हो सकता है, तो आपने तो अपने अकाउंट में प्लस कर दिया और 31 मार्च आकर मैच कर लिए, लेकिन अकाउंट में तो पैसे आए ही नहीं थे। इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी एडिड, लेकिन बैंक ने अभी प्लस नहीं किया हुआ है, तो ये अमाउंट पासबुक में क्या है, माइनस है, हो गया भी डिफरेंस का कारण पहला। सेम ऐसे ही बेटा व्हेन यू इशू ए चेक, व्हेन यू इशू ए चेक, जब भी आप किसी भी रीजन के लिए, कोई पेमेंट करने के लिए, कोई परचेज करने के लिए, जब आप इशू करते हो चेक, तो आप क्या कर देते हो, आपका पास कैश बुक में तो क्या करोगे बेटा, माइनस उसी टाइम कर दोगे, आपने माइनस कर दिया। लेकिन पासबुक में जब तक माइनस नहीं होता, जब तक वो प्रेजेंट नहीं होता, तब तक, प्रेजेंट का मतलब है मैंने राहुल को चेक दे दिया अभी आज काट के, तो जैसे ही मैंने राहुल को चेक दिया सैलरी के लिए, मैंने तो अपने अकाउंट से माइनस कर दिए। लेकिन राहुल अब एक जो चेक जब बेटा आप इशू करते हो तो 3 मंथ तक वैलिडिटी होती है उसकी, तो मे बी अभी उसने बैंक में डाला ही नहीं, जब वो बैंक में ही नहीं डालेगा तो आपके अकाउंट से पैसे भी नहीं जाएंगे, और मैं अज्यूम किया हुआ भी मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, तो आपने कैश बुक में तो एंट्री की हुई है इसकी, लेकिन पासबुक में अभी भी एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब है ये पैसे अभी भी आपकी पासबुक में प्लस है, डिफरेंस का रीज़न सेकंड। सेम वे बेटा आप क्या कर सकते हो कि आप बैंक, आपको पता है आपकी जो बैंक में जमा होती है बेटा डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट में इंटरेस्ट अलाउ भी करता है और इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, यानी आपके अगर आपने कुछ पैसे बैंक से उठा रखे हैं तो बैंक इंटरेस्ट लेता भी है और आपके पैसे बैंक में जमा उस पर इंटरेस्ट देता भी है, लेकिन इसके लिए घर पे आके नहीं देता, आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे डल भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं, कई बार इस चीज़ की एंट्री हम कैश बुक में नहीं करते, तो बैंक में तो जब इंटरेस्ट बैंक ने दिया तो बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस कर दी और जब इंटरेस्ट लिया तो आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए, लेकिन ये दोनों ही एंट्री कैश बुक में अभी नहीं हुई, इसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ गया। ऐसे ही सेम आपकी, आपने एक सर्विस ली हुई है भी, आपके जो बिल्स वगैरह होते हैं, कोई डिविडेंड वगैरह होता है बेटा, बैंक डायरेक्टली तो आपकी पेमेंट कर देता है बिल वगैरह की और आपकी कलेक्शन भी कर लेता है, तो बैंक में डायरेक्टली पैसे आ भी गए और पैसे चले भी गए और आपने अभी तक कैशबुक में कोई भी एंट्री नहीं की हुई। सेम ऐसे एक वर्ड होता है बेटा बैंक चार्ज, आपको आजकल SMS की लेकर ऑनलाइन की फैसिलिटी मिलती है, तो ईयरली क्वार्टरली बैंक आपसे कोई चार्ज लेता है, 50 रुपये 100 रुपये जो भी आपके, वो आपसे लेने के लिए या कोई फ़ोन नहीं करेगा कि मुझे 100 रुपये चाहिए, वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली क्या कर देगा, आपके अकाउंट से डेबिटेड कर लेगा, तो वो पैसे आपके अकाउंट से पैसे चले गए, तो वो आपकी बैंक चार्ज की एंट्री भी हो गई। तो ये हम बैंक चार्ज की डायरेक्टली पासबुक में तो माइनस है, लेकिन अभी तक मैंने पास कैश बुक में एंट्री की ही नहीं, तो इसलिए ये एंट्री अभी कैश बुक में नहीं हुई, तो ये रीज़न हो गया। तो दीज आर द मेजर रीज़न जिसकी वजह से बेटा दोनों में क्या आ जाता है, डिफरेंसेज आ सकता है, एक तो ये टाइम गैप का। दूसरा बेटा आपका क्या होता है, मैंने कहा ओमिशन, कुछ कोई एंट्री करना, भूल जाना, डेबिट की बजाय कैश बुक में एंट्री गलती हो सकती है, यानी आपकी रिकॉर्डिंग की कोई मिस्टेक हुई है और आपने जब मैच किया तब पता चला भी एंट्री। सबसे पहली चीज़ बेटा 2-3 चीज़ों की ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि पासबुक करेक्ट है और कैश बुक मेरी रॉन्ग है, तो वी स्टार्ट द क्वेश्चन किसे स्टार्ट करेंगे बेटा, आपकी बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी बैलेंस गिवन है, और जो आपका आंसर आएगा बेटा वो कैसे आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि मुझे कैश बुक के बैलेंस को कैश बुक के थोड़ा मिलाना है, मुझे दूसरी बुक से मिलवाना है, तो जब आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे कैश बुक, तो आंसर किसके साथ आएगा, पासबुक के अकॉर्डिंग। और यहाँ किस चीज़ की एंट्री करो बेटा, उन इवेंट्स की, उन ट्रांजैक्शन की जो दोनों में मैच, सारी ट्रांजैक्शन दोबारा नहीं करनी मुझे, वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर क्या बेटा, रीजन फॉर डिफरेंसेस, जो दोनों में सेम नहीं है, वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन। नाउ अप टू द क्या बेटा, आपके डिफरेंसेस रीजन यू स्टडी द फ्रॉम द बुक। इन नेक्स्ट वीडियो
वी विल स्टार्ट द इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है बेटा इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट।